नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर घाटी से इस समय एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है, जिसमें कि बिजबेहरा इलाका है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है और बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति की इसमें मौत की खबर सामने आ रही है। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आतंकियों ने बिल्कुल क्लोज रेंज से इस व्यक्ति के गले में और पेट में जो है वो गोलियां चलाई, जिसकी वजह से ये गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद इसे हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच जो दूसरा अपडेट हमारे पास आया उसमें ये जानकारी आई कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और जो अब तक इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक इस व्यक्ति का नाम राजा शाह सन ऑफ शंकर शाह रेजिडेंस ऑफ बिहार है, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये अभी इनिशियल जानकारी है। हो सकता है कि नाम में कुछ बदलाव हो या कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन क्योंकि अभी ये इनिशियल जानकारी आ रही है और कुछ ही देर पहले ये हमला हुआ है और सस्पेक्टेड टेररिस्ट ने जो उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है कि सॉफ्ट टारगेट को चुनते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से छोटे हथियार के साथ फायर करते हैं, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है। और इस व्यक्ति को जो कि इनिशियल रिपोर्ट्स के आधार पर बिहार का बताया जा रहा है, हमला किया गया और ये घायल अवस्था में था, लेकिन जानकारी ये मिली है कि जिस वक्त इसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया, इसकी मौत हो गई। और जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज किया जाएगा, बुलेट इंजरी उस पर की जाएगी, जैसे कि गला है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा नहीं रहते हैं। और क्योंकि इस मामले में भी दो जगह बुलेट इंजरी की जानकारी आई थी, यानी कि नेक इंजरी और एब्डोमेन इंजरी, तो यही संभावना दिख रही थी कि शायद यह व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अनफॉर्चुनेटली वही चीज निकलकर सामने आई है कि ये जो शख्स है इसकी मौत हो चुकी है। तो आतंकियों ने अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में ये पूरी घटना इस समय पेश आई है, जहां पर टारगेट किलिंग यानी कि लक्षित हत्या की गई है और बिहार निवासी एक शख्स पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया है, जिसमें कि अब अपडेटेड जो जानकारी है कि उस व्यक्ति की इसमें मौत हो चुकी है। और फिलहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इस प्रकार से जब इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और इलेक्शंस की शुरुआत अब 19 तारीख से होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट जो है वो अब सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से जो अब पहला ट्वीट किया गया है उसमें ये जानकारी लिखी गई है कि टेररिस्ट फायर्ड अपॉन एंड क्रिटिकली इंजर्ड वन पर्सन आइडेंटिफाइड एज राजू शाह रेजिडेंस ऑफ बिहार एट जबलीपोरा बिज बिहारा अनंतनाग, ही हैज बीन इवैक्यूएटेड टू हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, एरिया कॉर्डन ऑफ। तो पुलिस की तरफ से फिलहाल जो जानकारी दी गई है उसमें पुलिस ने यही लिखा है कि व्यक्ति घायल है, उसे हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज वहां पर मौजूद हैं, जो हमारे सोर्सेज ने जानकारी दी है कि जब ये ऑन वे टू हॉस्पिटल था तो इसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकली इंजर्ड था और बुलेट्स जो थी वो इसके गले और पेट में लगी थी और ऐसे में वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने के चलते ये स्कम्ब कर चुका है। तो चुनावों से पहले आतंकी माहौल बिगाड़ने की फिराक में है, माहौल खराब करने की कोशिश में है, दहशत फैलाने की कोशिश में है कि लोग वोट करने के लिए बाहर ना आए। लेकिन इस प्रकार के छूटपूट घटनाओं का ज्यादा असर जो है वो डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में यानी कि इन चुनावों पर नहीं पड़ता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, हालांकि आतंकी मौका ताककर इस प्रकार से कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन आतंकियों का भी सफाया होगा। बट इस समय की ये एक बड़ी दुखद अपडेट है कि एक और मासूम को अपनी जान आतंकवाद के भेंट चढ़ानी पड़ी है। कार आतंकियों ने टारगेट किलिंग करने की कोशिश की है एक निहत्थे व्यक्ति पर जो कि बिहार का रहने वाला था, उस पर क्लोज रेंज से फायर किए हैं, गले में फायर किए हैं, पेट में फायर किए हैं। और इस पूरे इंसिडेंट में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो चुकी है। नमस्कार।